कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो कि हमें पता है कि मलेरिया का जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा फैलने लगता है कुछ मौसम्स में। तो हम आज अपने नाटक के माध्यम से आप सभी को, हमारे बैठे बुजुर्ग या पेशेंट हैं, उनके समक्ष हम इस नाटक के माध्यम से मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं ये हम दिखाने का कोशिश करेंगे। बस यही है मेरा जुनून। ये देखो इस गांव में गंदगी, यहाँ तो हर जगह पानी जमा है। यहाँ के लोग कूलरों के पानी भी साफ नहीं करते, गमले में भी पानी बहुत दिन तक लगी रहती है। यहाँ मैं अच्छे से जिंदगी जीऊंगा और सबको बीमार करूंगा। जानते हो मच्छर के काटने से क्या होगा? क्या होगा? बुखार होगा, तेज बुखार। तेज बुखार होगा, तेज बुखार। जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द। ठंड लगेगी, ठंड। ठंड लगेगी, ठंड। कमजोरी होगी, कमजोरी। कमजोरी होगी, कमजोरी। ये देखो इतने गंदगी में ये दोनों बच्चे पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं, ना ही शरीर को ढके हैं। ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, अब मैं इनको बीमारियां फैलाऊंगा, मलेरिया ही मलेरिया। अंजलि तुमने खाना खा लिया? नहीं अभी ना, बाहर पानी भरा हुआ रखा है, पहले मैं उसको साफ करूंगी फिर खाना खाऊं। अरे पानी बाद में भी ढक लेंगे, पहले तुम खाना खाओ, वो हमारे बच्चे की सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। इनको खाने का तो बहुत अच्छे से फिक्र है और बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस में ये पानी, ये इनके कूलर का पानी, ये नहीं दिख रहा इनको। अब मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से जिंदगी जीऊंगा, इन दोनों को और इनके होने वाले बच्चे को भी मलेरिया फैला दूंगा। देखो देखो यहाँ कितना पानी जमा है, टायरों में, कूलर्स में, नालियों में और गमलों में। मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझसे नहीं होती ये साफ सफाई। अच्छे तो ये बुजुर्ग दंपति हैं, अब इनका एज बहुत हो गया है और इनसे सफाई भी नहीं हो रहा है। ये देखो इनके घरों के कूलर में पानी, ये टायरों में भी पानी और इनसे सफाई भी नहीं हो रहा। अब मैं इनको भी मलेरिया फैलाऊंगा, मलेरिया। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, आओ सुनाए एक मच्छर का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, तुमको भी काटे मच्छर, हमको भी काटे मच्छर। मच्छर 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 मच्छर, बूढ़ों को काटे मच्छर, बच्चों को काटे मच्छर। मच्छर 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 मच्छर। सरपंच जी। हाँ जी, हाँ जी शिंदे। देखा आपने गांव में कभी कैसे बीमार हैं यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो हम आम आदमी क्लिनिक चलते हैं। डॉक्टर जी डॉक्टर जी, मेरे गांव में देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ सरपंच जी? कईयों को जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, रैशेस और खारी। डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है मलेरिया और डेंगू के लक्षण हैं। सही कहा तुमने, क्यों ना हम सब मिलके गांव को मलेरिया के बारे में जागरूक करें। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने आसपास सफाई रखें। रात को सोते समय कॉइल का इस्तेमाल करें।
कूलरों में, टायरों में और नालियों में पानी इकट्ठा ना होने दें। मच्छरों से बचने के लिए क्रीम जैसे कि ओडोमॉस का इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोएं। और अगर हम ये सब करेंगे तो जानते हो मच्छर का क्या हाल होगा? क्या होगा? मेरे अंगने में मच्छर का क्या काम है? मेरे अंगने में मच्छर का क्या काम है? उससे पहले पूरे कपड़े उसका भी बड़ा नाम है। प्रेजेंट स्टाफ मेंबर्स भी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो जो जनरल पेशेंट्स भी आए हैं वो भी ये स्किट देख रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ही बच्चों ने बड़ी मेहनत नाल और सारे आस्पेक्ट कवर किए ने। फिर भी मैं समराइज करना चाहती हूँ कि अज असी वर्ल्ड मलेरिया डे मना रहे हैं, तो ये साडा यही हैगा कि हुण आने वाला सीजन जिहड़ा हैगा मच्छियां मक्खियां वाला, अजकल भी मच्छर चल ही रहे हैं, तो उन्हों तो बचने लिए असी दस रहे सी भी पूरे कपड़े पूरियां बाहवां दे कपड़े पा के रखो, आले दुआले अपने साफ सफाई पानी ना खड़ा रहन दो, कूलर जे चलाने आ उन्हां च पानी पहलां दा खड़ा जां तुसीं चला रहे हो डेली हफ्ते, जिस तरह असी फ्राइडे ड्राई डे मनाने आ, एक दिन हफ्ते दे विच कूलरां दी चंगी तरह सकाए जान, सफाई की जाए, नालियां ने पिंडां दे विच उन्हां दी सफाई की जाए, तो अगर मच्छर है तो उहदे लई कोई तुहाडी जिहड़ी ओडोमॉस वगैरह क्रीम का इस्तेमाल किया जाए ता कि ये तो बचा रहे। जे तुसीं अदरवाइज बच्चे जिहड़े छोटे आ जां गर्भवती महिलावां ने जिन्हां नूं मतलब जिहड़ियां ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज एज ग्रुप्स हैगे आ जां बजुर्ग ने उन्हां नूं अपना ध्यान रखना चाहिए, पूरियां बाहवां वाले पूरे फुल लैग्स कवर्ड जराबा सॉक्स ते जुत्ते पा के रखने चाहिए, जिस तरह आप सर्दियों में रहने चलो घट्टो घट बॉडी तुहाडी कवर होवे ताकि मच्छर नूं स्किन सरफेस एरिया घट्ट तों घट्ट मिले है बाइट करन लई। तो इसलिए तो अगे तो सबनों यही मैं हदायत करती हूँ कि अपने आले दुआले जे कोई सेंसिटाइज नहीं हुंदा तां उहनूं दस्या जावे इस तरह बचना है इस तों, तो जे कोई बीमार है घरे पिया ही दवाई लई जांदा है उहनूं नेड़े दे अपना जिहड़ा भी कोई क्लीनिक है सिहत संस्था जो भी है उत्थे लिजा के उहदा चैकअप करवाया जाए। धन्यवाद।